ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग ने देखा था डी टी ई, ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ठीक है, जितने भी फिजिकल लेयर्स में हम लोग जो डिवाइसेस वगैरह कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, जो लिंक प्रोटोकॉल को यूज़ करके कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, और डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कर पाते हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट क्या होता है, ठीक है, ये भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है, ये जनरली कंप्यूटर के अंदर पे लगता है, और जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं मोडेम, क्या बोलते हैं, मोडेम, ठीक है। यहाँ पे देखो, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट रिफर्स टू ए कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस यूज टू इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड टर्मिनेट कम्युनिकेशन नेटवर्क सेशंस बिटवीन डेटा सोर्स एंड इट्स डेस्टिनेशन, ठीक है। ये एक ऐसा कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस होता है जो सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन नेटवर्क का सेशन को स्टार्ट करता है, बाकी कम्युनिकेट वगैरह करेगा, देन उसके बाद सेशन को क्लोज करेगा, ठीक है। मतलब सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन पॉसिबल कैसे हो पाता है, इसी DCE से, ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो हमारे कंप्यूटर मॉडेम लगा होता है। मॉडेम मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। तो मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर से क्या होगा, जो भी हम लोग सिग्नल रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो सिग्नल जो होता है वो एनालॉग सिग्नल से आता है, उसको यहाँ मॉड्यूलेट किया जाता है, ठीक है, सॉरी डी मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेशन मीन्स क्या होता है, हम लोग कोई भी अगर डेटा सेंड करते हैं, ठीक है, वो किससे जाता है, वायर के थ्रू जाता है। जैसा हम लोग मान लो कोई भी एक फाइल सेंड की है, हम लोग यहाँ इंडिया में बैठे हुए हैं, हम लोग फाइल को सेंड किए यूएस में, तो यूएस में हम लोग सेंड किए तो वो कैसे जाएगा, हम लोग वाईफाई के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं कि एयर से जाएगा, वो वाईफाई के थ्रू जाएगा, ठीक है। वाईफाई जो हम लोग कनेक्ट किए अपने होम पे कनेक्ट किए, घर पे कनेक्ट किए, ठीक है, तो वो हम लोग कैसे ट्रांसमिट कर पा रहे हैं उसको, मॉडेम के थ्रू, ठीक है, मॉड्यूलेट करता है उसको, सिग्नल जो होता है एनालॉग से, सॉरी डिजिटल टू एनालॉग चेंज करता है। हम लोग का कंप्यूटर सिस्टम क्या है, डिजिटल सिग्नल है, ठीक है, पूरा का पूरा डिजिटल सिग्नल पे काम करता है, तो हमारे कंप्यूटर से कैसे जाएगा, वो डिजिटल सिग्नल के थ्रू जाता है। आया समझ में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, ठीक है, ये मान लो अपना इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग एक कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, इस कंप्यूटर से हम लोग कोई डेटा सेंड किए, ठीक है, कहाँ सेंड किए, यूएस में कोई आदमी बैठा हुआ है कंप्यूटर लेके, ठीक है, ये यूएस है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से सेंड किया यूएस वाले डेटा पे। अब ये वाला जो मीडियम है, ये हमको नहीं पता है कि क्या है, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि वो वायर्ड कनेक्शन ही होगा, ठीक है, हम एज्यूम करते हैं कि वायर्ड कनेक्शन ही होगा, ठीक है, तो इस वायर्ड वायर से क्या ट्रैवल हो पाएगा, यहाँ से एनालॉग सिग्नल ही ट्रैवल हो पाएगा, वो वहाँ पे डिजिटल सिग्नल को ट्रैवल नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसको करंट चाहिए, ठीक है, वायर क्या मांगता है, करंट मांगता है, उसमें करंट ही ट्रेवल हो पाता है, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे जो भी हम लोग इस वायर कनेक्शन के बात करेंगे तो वहाँ पे एनालॉग सिग्नल होगा। तो मॉड्यूलेशन डी मॉड्यूलेशन क्या करता है, जब भी कोई डेटा सेंड होता है तो वो उसको डिजिटल टू एनालॉग चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, डिजिटल हमारा सिस्टम है, डिजिटल टू एनालॉग चेंज करेगा, ठीक है, और जब भी रिसीव करेगा तो एनालॉग से किसमें चेंज करेगा, डिजिटल में चेंज करेगा, क्लियर। एनालॉग से किसमें चेंज करेगा, डिजिटल में चेंज करेगा,
ठीक है, समझ में आया। अब वैसे ही यूएस वाला जो बंदा है वो बैठा हुआ है यूएस में, और वहाँ से कोई डेटा सेंड करता है, ठीक है, तो ऐसे सेंड करेगा, ठीक है, तो ये सेंड कर रहा है डिजिटल टू एनालॉग, ठीक है, ये वायर में एनालॉग सिग्नल आया पूरा, और हमारे सिस्टम में क्या आएगा, एनालॉग सिग्नल आएगा, हम लोग को क्या चाहिए, डिजिटल चाहिए, ठीक है, तो वापस से किस में चेंज करेगा, डिजिटल में चेंज करेगा, आया समझ में। तो मोडेम का काम क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग चेंज करना और एनालॉग टू डिजिटल चेंज करना, ठीक है, एनालॉग से डिजिटल अगर चेंज करेगा इसको बोलेंगे डीमॉड्यूलेशन, क्या बोलेंगे, ठीक है, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है, समझ में आ गया। और डिजिटल टू एनालॉग को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, मोडेम का काम यही होता है, और मोडेम को ही हम लोग बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, क्या बोलते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है, आया समझ में, ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। DCE इज कनेक्टेड टू द डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट DTE एंड डेटा कम्युनिकेशन, सॉरी डेटा ट्रांसमिशन सर्किट टू कन्वर्ट ट्रांसमिशन सिग्नल्स, ठीक है, जो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट लगा होता है, जैसे रूटर हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, गेटवे हो गया, हब हो गया, ठीक है, इससे जो भी कनेक्शन आता है वो डायरेक्टली हमारे कंप्यूटर से जुड़ा होता है या फिर हम लोग के मोबाइल फ़ोन से जुड़ा होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मोडेम लगा होता है, तभी वो वहाँ से सिग्नल जो आ रहा है एनालॉग सिग्नल उसको कन्वर्ट कर पाता है डिजिटल सिग्नल पे, आया समझ में। तो वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहता है, DTE से कनेक्ट होता है, और डेटा ट्रांसमिशन सर्किट उसके अंदर लगा होता है, वो उसके थ्रू जो भी डेटा ट्रांसमिशन आदान प्रदान जो करना होगा वो करता है, ठीक है। IT वेंडर्स में ऑल्सो रिफर टू डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एज डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट और डेटा कैरियर इक्विपमेंट, ठीक है, किसका माइक ऑन है, रसप्रीत कौर, बंद कर लो, ठीक है। जो IT वेंडर्स होते हैं, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो इस टाइप के इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसको डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट भी बोलते हैं या फिर डेटा कैरियर इक्विपमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ टफ नहीं है, बस वो कहानी बनाया हुआ इतना बड़ा, वो एक्चुअल में मोडेम ही होता है, ठीक है। ये मोडेम इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है, जो मैंने बताया अभी। इन जनरल डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इज़ यूज टू परफॉर्म सिग्नल एक्सचेंज, कोडिंग, लाइन क्लॉकिंग टास्क एज ए पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट इक्विपमेंट और DTE, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट जनरली यूज़ किया जाता है सिग्नल एक्सचेंज के लिए, ठीक है, जो भी सिग्नल हम लोग भेजना चाहते हैं या फिर जो भी सिग्नल हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, वो सिग्नल हमारे ही फॉर्मेट में होना चाहिए, हमको अगर डिजिटल सिग्नल चाहिए तो हम डिजिटल सिग्नल ही एक्सेस करेंगे, ठीक है। उसके अंदर जो कोडिंग होती है, जनरली मोडेम जो होता है वो DTE से जुड़ा होता है, तो DTE क्या करता है, उसमें एरर चेकिंग वगैरह करेगा, ठीक है, साथ में वहाँ पे क्या करता है, क्लॉकिंग भी करता है, क्लॉकिंग कल में बताया था क्या होता है, ठीक है, जो भी वहाँ पे इंटरमीडिएट इक्विपमेंट लगा होगा या फिर DTE लगा होगा वो सारा उसका प्रोसेस होता है। हम लोग को सिग्नल एक्सचेंज करना है बस, कैसे कम्युनिकेट करना है वहाँ पे, ठीक है, सिग्नल कैसे वहाँ ट्रांसमिट होता है वो सारा काम किसका है, DCE का है, ठीक है, मतलब डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ठीक है, क्लियर, ठीक है। सम एडिशनल इंटरफेसिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में ऑल्सो नीडेड टू पेयर द DTE विथ ट्रांसमिशन चैनल और टू कनेक्ट टू ए सर्किट टू द DTE। DC एंड DTE आर ऑफन कन्फ्यूज विथ ईच अदर, बट दीज आर टू डिफरेंट डिवाइसेस टाइप्स दैट आर इंटरलिंक विथ एन RS-232
टू 32 सीरियल लाइन, ठीक है। देखो दोनों डीटी और डीसी अलग अलग चीज़ें, डीटी मतलब रूटर स्विच ये सब डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर से अलग होती है, ठीक है। हमारे कंप्यूटर से बाहर जो डिवाइस होगी वो सारे क्या है, डीटी है। कंप्यूटर के अंदर या फिर मोबाइल फोन के अंदर जो लगी रहती है वो डीसीई है, ठीक है, क्लियर। और दोनों को इंटरलिंक किससे किया जाता है, RS-232 सीरियल लाइन से किया जाता है, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखो इस टाइप का सीरियल लाइन होता है, ठीक है, क्लियर। इमेज बहुत छोटा सा है ये, दिख रहा है कि थोड़ा बहुत क्लियर, ठीक है। ये है DTE और ये DCA, ठीक है, ये कंप्यूटर है, ठीक है। यहाँ पे DB2S करके एक वो पोर्ट होता है और ये इंटरफेस केबल होता है, ठीक है, ये सीरियल पोर्ट है हमारा, ठीक है। दोनों को आपस में ऐसे ही जोड़ा जाता है, लेकिन ये बहुत पुराने ज़माने में होता था। DB जो पोर्ट होता था, ठीक है, वो पोर्ट बहुत पुराने ज़माने में होता था। आजकल ये सब सब चेंज हो गया है, सब लैन केबल पे आ गया, अब लैन केबल ऑप्टिकल पोर्ट सब इसमें आ गया है, ठीक है। तो ये जो हमारा RS-232 सीरियल लाइन होता था वो डायरेक्टली पहले पहले के ज़माने में क्या होता था कि मोडेम हम लोग को अलग से लगाना होता था। जब कंप्यूटर हम लोग खरीद के लाते थे तो मोडेम हम लोग को अलग से लगाना होता था। अगर इसी में हम लोग देखें, ये तो रूटर का ही दिखाया था पुराने ज़माने का। हाँ ये रहा, बहुत बढ़िया, ठीक है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो देखो इस टाइप का मॉडेम होता था, दिखा, ये होता था एक मिनट सीरियल लाइन पे पोर्ट, रहना ना, ठीक है, ये हेलो होता था सीरियल हेलो, पोर्ट, ठीक है। इसी हाँ सीरियल हाँ सर, पोर्ट से डीटी कनेक्ट होता था, ठीक है, और यहाँ पावर और केबल वगैरह लगाते थे, यहाँ केबल से कनेक्ट होता था अपना कंप्यूटर, ठीक है। आजकल क्या होता है, जो आजकल के NIC आते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होते हैं, उसके अंदर पहले से फिट रहता है। पहले बहुत बड़ा सा डिवाइस हम लोग को लगाना होता था, अब क्या करते हैं हम लोग, सारा चीज़ वो छोटे से IC में काम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो इस टाइप का बड़ा बड़ा सा मोडेम आता था पहले, दिख रहा है, US रोबोटिक्स, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आती थी, ठीक है। ये देखो PFX मॉडेम है, ऐसे अलग अलग टाइप के मॉडेम आते थे अलग अलग चीज़ों के, ठीक है। जैसे पुराने टेलीफोन हैं, ठीक है, इस टाइप के बड़े बड़े मॉडेम्स आते थे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें पहले यूज़ होती थी, ठीक है। आज के ज़माने में देखा जाए तो ये RS-232 सीरियल लाइन में तो कोई काम ही नहीं करता, क्योंकि इतना स्लो होता था ये। क्योंकि स्लो होने का कारण क्या था, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंटरफेस के थ्रू चलती थी। जो अगर इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखो ये DT है, ठीक है, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, ये DC है, इसके बीच में इंटरफेस केबल लगा हुआ है, ठीक है। वो RS-232 को ही इंटरफेस केबल बोलते हैं, जिसको हम लोग सीरियल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो DB9 मेल है या DB9 फीमेल, इसके अंदर देखो सिग्नल ग्राउंड, DT रेडी, ट्रांसमिटेड डेटा, रिसीव डेटा, रिसीव लाइन सिग्नल डेटा, है बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिग्नल्स होते हैं, ठीक है। ये सारे सिग्नल्स जो है अलग अलग पोर्ट पे जाके वहाँ पे रिसीव होते थे, फिर उसको बाद में मर्ज किया जाता था। ये सारा काम जो होता था वो मॉडेम करता था, ठीक है, कौन करता था, मॉडेम करता था। लेकिन जब ये टेलीफोन लाइन से जुड़ते थे, ठीक है, मेन जो मोडेम का काम होता था वो टेलीफोन लाइन से जुड़ता था, ठीक है। अब टेलीफोन लाइन से जुड़ता था, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो DSL कनेक्शन होता है, DSL कनेक्शन जानते हो, जैसे एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगाना, BSNL का ब्रॉडबैंड लगवाना, ठीक है। तो उसने वो क्या करता है, वो वहाँ से एक वायर लेके आता है, वो DSL कनेक्शन होता है, ठीक है। उसमें टेलीफोन लाइन भी होती है, साथ में इंटरनेट कनेक्शन भी होता है, दोनों होता है।
तो वहाँ पे अगर हम लोग को उससे इंटरनेट चलाना है तो एक छोटी सी डिवाइस लगती है वहाँ पे, ठीक है, तो वो कन्वर्जन होता है उसका, ठीक है, उस डिवाइस का नाम कुछ और रहता है, ठीक है, सो कुछ तो बोलते हैं शायद हब वगैरह, कुछ कुछ तो अजीब टाइप का नाम रहता है उसका, ठीक है, वो लगता है, वो क्या करता है उस टेलीफोन लाइन से, वो भी एक डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ही होता है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली उस RJ11 पोर्ट को RJ45 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि टेलीफोन लाइन में कौन सा यूज़ होता है, RJ11 पोर्ट यूज़ होता है, ठीक है, उसको किस में चेंज करता है, RJ45 में, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा डिवाइस लगता है यार, हाँ ये देखो इस टाइप का एक डिवाइस लगता है, इसमें दिख नहीं रहा है ऐसा, तो वो लोग एक लगाते हैं, वो छोटा सा डिवाइस होता है, ऐसी टाइप का रहता है, हाँ वैसे ही है, कन्वर्टर टाइप का ही रहता है, इस टाइप का एक छोटा सा डिवाइस होता है, ठीक है, वो उससे कन्वर्ट कर देते हैं उसको, ठीक है, तो हाँ देखियो कि किसी के यहाँ लगा होगा, ठीक है, लेकिन आज की डेट, आज की, हाँ मतलब अगर किसी के यहाँ सिंपल कनेक्शन लगा होगा, फाइबर नहीं लगा होगा, तो वो लगता है ना, DSL वाला रहता है कनेक्शन, तो ये देखो इस टाइप का डिवाइस लगाते हैं, ये देखो ये है ये एड, हाँ ADSL स्प्लिटर इसको ये बोलते हैं, ठीक है, ADSL स्प्लिटर बोलते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे दोनों रहता है, दोनों को स्प्लिट करते हैं, कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन में जाता है और दूसरा ये टेलीफोन में चले जाता है, ठीक है, स्प्लिटर में यहाँ पे देखो दोनों टाइप का आता है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 लाइन वाला भी आता है, 4 लाइन वाला भी आता है, ठीक है, दोनों टाइप का आता है स्प्लिटर, ठीक है, देखो इस टाइप का भी स्प्लिटर आता है, ठीक है, RJ45 में चेंज कर देता है, ठीक है, तो इस टाइप से जो ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट आते हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना डेटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो RS-232 सीरियल लाइन जो है वो भी काम आता है, ठीक है, इस टाइप के स्प्लिटर्स वगैरह भी होते हैं वो भी चलते हैं, ठीक है, सब जो होते हैं वो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट ही होता है, ठीक है, आगे देखते हैं, DT एंड DC कनेक्टर्स आर वायर्ड डिफरेंटली इफ ए सिंगल स्ट्रेट केबल इज एम्प्लॉयड, ठीक है, DT एंड DC जो होता है वो अलग अलग वायर किया जाता है, ठीक है, DT को अलग वायर्ड किया जाता है, DC को अलग किया जाता है, ठीक है, DC रीजनरेट इंटरनल क्लॉक सिग्नल वाइल DT वर्क्स विद एक्सटर्नली प्रोवाइडेड सिग्नल, ठीक है, DC जो है वो इंटरनल क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, कैसे, जैसे मान के चलो मोडेम लगा हुआ है, ठीक है, अब मोडेम जो उसको क्या चाहिए, जैसे मान लो बाहर से कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, वो डेटा किस स्पीड पे आ रहा है, जैसे मान के चलो 10 MBPS की स्पीड पे आ रहा है, वो अगर मान के चलो मोडेम बहुत अच्छा वाला लगा हुआ है हमारे, ठीक है, जिसकी स्पीड मान के चलो 100 MB/s का डेटा को कन्वर्ट करने की है, वो क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करेगा, है ना, तो अगर मान के चलो ऐसा कुछ है हमारे पास जो उस सिग्नल को 100 MBPS तक कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है, और हमारे पास डेटा कितने रेट में आ रहा है, 10 MBPS में आ रहा है, ठीक है, तो वो इजीली कन्वर्ट कर देगा, अगर मान के चलो कोई ऐसा मॉडेम हम लोग लगा के रखे जिसमें 1 MBPS तक ही वो कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, उसको क्लॉक रेट कम हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, तो जो इंटरनल क्लॉक सिग्नल जो जनरेट होगा उस समय वो बहुत सारे लॉसेस होंगे वहाँ पे, जो सिग्नल लॉस जो हम लोग बोलेंगे वो बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे DT जो होता है इंटरनल क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, और DT क्या करेगा, वो एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बाहर से जो भी आ रहा है, विदाउट एम्प्लॉइंग ए मोडेम द DC एंड DT कैनॉट
कैन बी कनेक्टेड थ्रू ए क्रॉसेबल केबल मीडियम लाइक ए नल मोडेम फॉर इथरनेट और टिपिकल RS-232 serial line। ठीक है, अगर हम लोग मोडेम नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग को एक क्रॉसेबल केबल मीडियम लगाना पड़ेगा और एक नल मोडेम टाइप का वो हम लोग एक को एक प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन आजकल के जो सिस्टम आते हैं उसके अंदर पहले से मोडेम रहता है। अगर मान के चलो कोई हम लोग ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं जिसमें NIC है लेकिन मोडेम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग अगर स्विच लगा रहे हैं, स्विच में पहले से मोडेम दिया होता है, स्विच या फिर रूटर जो हम लोग लगाते हैं उसमें पहले से मोडेम दिया होता है, ठीक है, मतलब जो भी आजकल डिवाइसेस आती है, अगर हम लोग NIC भी ले रहे हैं या फिर रूटर स्विच भी ले रहे हैं, सब में पहले से मिल जाते हैं, ठीक है। आज के ज़माने की डिवाइस की अगर बात करें, तो पुराने ज़माने की बात करें तो हम लोग को नल मोडेम लगाना होता था, ठीक है, या फिर हम लोग को RS-232 serial line से उसको कनेक्ट करना होता था। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात यह है, फंडा ये है, DT होता है जो कंप्यूटर के बाहर लगता है, ठीक है, जैसे रूटर, स्विच, हब, गेटवे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। DC क्या होता है? सिंपल सा बात, मोडेम को जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, मोडेम को ही DC बोला जाता है। क्लियर है? आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, अब इसका डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं, डिफरेंस क्या क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन DT एंड DC, सबसे पहला आता है डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, और सेकंड है डेटा सर्किटिंग टर्मिनल इक्विपमेंट, जिसको हम लोग DCE बोलते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों फिजिकल लेयर पे ही काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट बताते हैं, इट इंक्लूड्स एनी यूनिट दैट फंक्शंस इधर एज अ सोर्स ऑफ और एज अ डेस्टिनेशन फॉर बाइनरी डिजिटल डेटा, ठीक है। एट फिजिकल लेयर इट कैन बी टर्मिनल, माइक्रो कंप्यूटर, कंप्यूटर, प्रिंटर, फैक्स मशीन और एनी अदर डिवाइसेस दैट जनरेट्स और कंज्यूम डिजिटल डेटा, ठीक है, जो डिजिटल डेटा कंज्यूम कर सकता है या फिर जनरेट कर सकता है, ठीक है। DTs do not often communicate information but need an intermediary to be able to communicate, ठीक है। जो भी रूटर, स्विच ये सब है, ठीक है, तो ये सब बिना कंप्यूटर के ऑपरेट नहीं किए जा सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो DT जो होता है, बाकी जो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग, स्विच वगैरह, रूटर वगैरह, तो बिना कंप्यूटर के ऑपरेट नहीं होते हैं, ठीक है, अपने आप ऑपरेट नहीं होते हो, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है। क्लियर है? ठीक है, आप लोग, ठीक है, डेटा सर्किट टर्मिनेटिंग इक्विपमेंट है ना, इट इंक्लूड्स एनी फंक्शनल यूनिट दैट ट्रांसमिट और रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग और डिजिटल सिग्नल थ्रू ए नेटवर्क, ठीक है। DC क्या करता है, एनालॉग या फिर डिजिटल सिग्नल जो आ रहा है, ठीक है, जनरली वो एनालॉग सिग्नल ही आता है, ठीक है, उसको रिसीव करेगा या फिर ट्रांसमिट करने का काम करता है, ठीक है। एट फिजिकल लेयर ए DC टेक्स डेटा जनरेटेड बाय DTE, कन्वर्ट्स देम टू अप्रोप्रिएट सिग्नल एंड देन इंट्रोड्यूसेस सिग्नल ऑन टू ए टेलीकम्युनिकेशन लिंक, ठीक है। DC क्या करता है, जो भी डेटा जनरेट होता है उसको चेंज करता है एनालॉग सिग्नल पे, और ठीक है, वहाँ से जो भी रिसीव होता है वो एनालॉग सिग्नल आता है उससे डिजिटल सिग्नल में चेंज करता है, ठीक है, पूरा ओवरऑल फंडा यही है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है?
ठीक है, कुछ डाउट है किसी को डीसीई में? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आज शाम को मैं इसका नोट्स भेज दूंगा और शायद सेकंड यूनिट भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं कितना बचा है। ठीक है, एनालॉग डिजिटल हो गया, नहीं डीटीसी आधा बचा हुआ है। ठीक है, डेटा टर्मिनेटर टर्मेटिक ये हो गया, स्टैंडर्ड्स बचा है, मोडेम ट्रांसमिशन रेट और मोडेम स्टैंडर्ड्स बचे हैं। ठीक है, तीन टॉपिक्स और बचे हैं। ठीक है, तो सेकंड यूनिट भी हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, बाकी डिफरेंस भी दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में भी, इसको भी रीड करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ठीक है, किसी कुछ डाउट है अभी इसमें? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो फिर आज की सभा फिर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।